हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। समुच्चय में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.6 प्रारंभ किया था और उसमें से चार प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। शेष बचे प्रश्नों को आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 है कि यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि x में 40 और x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव होंगे। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उन्होंने दिया है कि x और y दो क्या है हमारे पास, समुच्चय है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, x में अवयवों की जो संख्या है वो हमारे पास है 40। और आगे उन्होंने कहा है x यूनियन y में अवयवों की संख्या है 60। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y में अवयवों की संख्या कितनी है, 60 है। फिर उन्होंने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, मतलब x और y में अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, 10। कितनी है, 10। तो हमसे पूछ रहे हैं कि n इंटरसेक्शन y क्या होगा, n इंटरसेक्शन y क्या होगा। देखिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या हम जानते हैं क्या, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, दी गई वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का मान कितना है, 60 है, बराबर एन या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स कितना है, 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई हमें क्या करना है, फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, 10। ठीक है, ये क्या होगा, ये देखिए ये 40 उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस कितना, 10। ठीक है, या पहले हम लोग क्या कर लें, इसे यही हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 60 बराबर 40 में से 10 घट जाएगा तो 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, ठीक है, 30 हमारे पास इधर घटकर इधर आ जाएगा, बराबर किस पर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई बराबर हो जाएगा 30। अर्थात हमारे पास वाई में अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है। हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय वाई में 30 अवयव है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में कहा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 70 व्यक्तियों के समूह में 70 कॉफी, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, यह क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो चाय और कॉफी की बात हो रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना चाय को टी तथा कॉफी को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पसंद करते हैं। 70 व्यक्तियों का क्या है हमारे पास, समूह, मतलब समूह है तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी कितने हो जाएंगे, 70। टी यूनियन सी में कितने हैं, 70। आगे उन्होंने कहा है कि 37 कॉफी पसंद करते हैं, 37 क्या पसंद करते हैं, 37 कॉफी पसंद करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, 35। 35 क्या पसंद करते हैं, 37 है, 37 कितना पसंद, क्या पसंद कर सकते हैं, कॉफी। आगे उन्होंने कहा है 52 पसंद करते हैं चाय, चाय पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 52। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों की क्या बताइए, संख्या बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जानते हैं वही लिखेंगे, पहले हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या, जानते हैं
एन टी यूनियन सी बराबर एन टी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन टी एन टी इंटरसेक्शन सी टी इंटरसेक्शन सी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे टी यूनियन सी। टी यूनियन सी का मान कितना है 70 बराबर टी का मान कितना है 52 प्लस सी का मान कितना है 37 माइनस टी इंटरसेक्शन सी का मान कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया टी इंटरसेक्शन सी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 5 3 8 माइनस यन इंटर टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर लेते हैं इस पार और 70 को पक्षांतर कर देते हैं उस पार। यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी बराबर 89 माइनस 70। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी बराबर 9 में से 0 घटा देंगे तो 9, 8 में से 7 घटा देंगे तो 1। यहाँ बचेगा चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की जो संख्या है वो कितनी है 19। लिखेंगे चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले 19 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या है हमारे पास अगला, 7। प्रश्न संख्या सात में है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं ये बताइए। ठीक है ना, सबसे पहली बात उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि 70 व्यक्तियों का समूह है। क्या है, 70 व्यक्तियों का समूह। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना टेनिस को सी तथा टेनिस को टी तथा क्रिकेट को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा 65 व्यक्तियों का क्या है हमारे पास समूह है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी कितना हो गया 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 40 व्यक्ति क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि कितने व्यक्ति हैं जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ठीक है क्या, कि टी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, टेनिस और क्या है, क्रिकेट है। देखिए टी यूनियन सी हमारे पास कितना है, 65 है और टी में कितना है, टी हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 40 माइनस इसमें टी इंटरसेक्शन सी में कितना है 10। ठीक है, तो ये 40 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस 30। 30 को हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी बराबर क्या हो जाएगा 35। टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई 35। उन्होंने कहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए ये नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टेनिस कितना है 35। ये जो 35 है ये केवल क्या खेलते, ये टेनिस खेलने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, टेनिस पसंद करने वाले 35 व्यक्ति हैं। अब आगे देखिए उन्होंने कहा है कि टेनिस पसंद करने वाले क्या हैं,
35 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इसमें 10 ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग को निकालना है केवल, क्या निकालना है, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। तो यहां कितना हो जाएगा, 35 माइनस कितना, 10, आंसर कितना हो जाएगा, 25। 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। ध्यान से देख लीजिए कि केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी, वो टेनिस में से क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25। आप इसे वेन आरेख से भी लगा सकते हैं। देखिए वेन आरेख में कैसे इसे लगाएंगे, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा हो गया यू, इसे हमने ले लिया, ये टी है, ये कौन है, सी है, ठीक है, ये टी है और ये कौन है, सी, ठीक। आगे देखिए, यदि ये टी है और ये सी है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो कितने हैं, 10 है, इसमें कितने हैं, 10 है। आगे उन्होंने कहा है कि सी में कितने हैं, 40, सी में कितने हैं, 40 है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा टी यूनियन सी में कितने हैं, 65, मतलब ये पूरा कितना है, 65 है। अगर ये 40 है और ये क्या है, 10 है, तो निश्चित रूप से केवल सी में क्या होंगे, 30 होंगे। तभी तो यार सी देखिए, सी मिला लेंगे तो 30 या 10 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और कुल मिला के कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कुल मिला के अगर 65 होना चाहिए, तो x प्लस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना, 65। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 65 माइनस कितना, 40 10 50। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 15। यहाँ कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, या कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कितने ऐसे हैं, कहा है कि टेनिस पसंद करने वाले 35 व्यक्ति हैं। टेनिस पसंद करने वाले क्या हैं, क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास 40 हैं, और टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले 65 हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, यहाँ हमने इसे क्या माना था, यक्स माना था, ठीक है। ये केवल अगर यक्स, ये पूरा अगर यक्स है, तो ये पूरा अगर यक्स है, तो ये यक्स प्लस 10 नहीं है, ठीक है ना। ये हमने इसे क्या मान लिया है, पूरा 10 मान लिया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 40 उधर घटेगा, 40 घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 25, ठीक है। तो ये x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अच्छा 40 x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 65 में से 40 घटाएंगे, 25, ठीक है। मतलब जो x हमने माना है वो केवल क्या है, केवल t है, ठीक है। देखिए केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। x का मान क्यों आया, 25 आया, ठीक है। अगर इसमें ये 10 जोड़ देंगे तो 35 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि क्या है, टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 10 ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं, ठीक है ना। अगर केवल टेनिस की बात होगी तो केवल टेनिस में ये बताया जाएगा, टेनिस की बात होगी तो पूरा बताया जाएगा, ये 25 और ये 10 भी, ठीक है। इसी प्रकार यदि क्रिकेट की बात होगी तो 40 बताया जाएगा, केवल क्रिकेट की बात होगी तो 30 बताया जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या क्या है हमारे पास, 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, कह रहे हैं कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। या क्या कीजिए, याद कीजिए, कह रहे हैं एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, एक कमेटी है फ्रेंच बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना फ्रेंच को, फ्रेंच भाषा को यफ तथा स्पेनिश को यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा है कि 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 50 व्यक्ति क्या बोलते हैं, फ्रेंच, नंबर ऑफ पीपुल इन फ्रेंच लैंग्वेज 50, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल इन स्पेनिश बोलने वाले क्या है, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश। और उन्होंने कहा है कि 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पसंद करते हैं, तो 10 ऐसे हो गए, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यफ यूनियन यस, ठीक है, कुल, मतलब सब लोग क्या बोल रहे हो, मतलब कुल स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले कुल कितने लोग हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ यूनियन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। देखिए एफ यूनियन एस, एफ यूनियन एस का क्या हमें ज्ञात करना है, एफ यूनियन एस, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना हो जाएगा 50 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो जाएगा 20 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस इक्वल टू 50 20, 70, 70 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। मतलब फ्रेंच ना कम से कम एक भाषा, या लिख सकते हैं कि फ्रेंच तथा स्पेनिश भाषा पसंद करने वाले कुल 60 व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या कौन सा 8। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.0 क्या हो जाती है 6 समाप्त हो जाती है। हमने आपको समुच्चय पूरी तरह से क्या किया है, शुरू एक प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.6 तक सब हल करा दिया है। आप अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।